नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल एस एल टीच में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए। दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश के जनरल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर से याद कर लें, जिससे कि आपकी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पैसेज को पूरा अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर देना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु रूल्स अ कंट्री, एम्परर, इंजीनियर, गार्डनर। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेकंड, कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड पास्ट फ्रॉम द पैसेज, ओल्ड, प्रेजेंट, फ्यूचर। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, हु वॉज अशोका। फोर्थ है, व्हाट डू वी नीड फॉर आर हाईवेज। फिफ्थ है दोस्तों, व्हाट इज लेफ्ट टू गार्डनर्स अलोन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड से, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला है, विच डिसेबिलिटी डू द सिटी चिल्ड्रन सफर फ्रॉम। ठीक है, दे आर वीक, दे कैन नॉट प्ले इन द ओपन, दे हैव लिटिल कॉन्टेक्ट विथ नेचर। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंड, की फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ नेचुरल फ्रॉम द एबव पैसेज, बेनिफिशियल, आर्टिफिशियल और सुपरफिशियल। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट फॉर मैन, वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट फॉर मैन। दोस्तों फोर्थ आता है, वॉट इज द टास्क बिफोर एजुकेशन। फिफ्थ है दोस्तों, हाउ हैव देयर लिप्स बिकम आर्टिफिशियल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। एक और दोस्तों आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसका आंसर देना है। जिसमें पहला है कि हाउ मैनी वाटर वेज आर देयर इन वेनाइस, 250, 150, 117। दोस्तों नेक्स्ट आता है, वॉट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेज, गुड, ब्यूटिफुल, स्ट्रेंज। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि वॉट व्हीकल्स आर यूज इन वेनिस। सेकेंड दोस्तों, वॉट आर गोंडोल्स। फिफ्थ दोस्तों, विच इज अ स्ट्रेंज एंड ब्यूटिफुल सिटी इन द नॉर्थ ऑफ इटली। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में देख लेते हैं, जहाँ पर दोस्तों सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, यू आर मिस्टी शर्मा स्टडिंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लक्सपुर विदिशा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको दोस्तों यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखनी है। इसके अलावा तो दोस्तों, यू आर नंदिनी रेसिडिंग एट 77 विथल नगर विदिशा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमित, कॉन्ग्रेचुलेशन हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू एज इंटरेस्टेड ए एंड बी बिलो द पैसेज। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको दो क्वेश्चन करने हैं इस पेपर को पढ़कर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें पहला दिया क्वेश्चन कि मेक नोट्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम एंड गिव अ टाइटल ऑल्सो। ठीक है, आपको क्या नोट्स बनाने और इसका टाइटल देना। सेकंड है कि प्रिपेयर समरी ऑफ पैसेज। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि छठवां क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री विद द हेल्प ऑफ वर्बल इनपुट्स गिवन बिलो। ठीक है, जिसमें पहला है दोस्तों, ट्रीज गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्रेंड्स ऑफ मैन, प्रोवाइड ऑक्सीजन, टिम्बर, ETC, केस रेनफॉल, बैड एस्पेक्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज, डू ट्री प्लांटेशन। इस पर दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को ऐड करते हुए आपको जो है एक आर्टिकल तैयार करना था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें पूछा गया कि राइट एन एसे इन 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी, एनी ग्रेट लीडर, दिवाली और माई डेली लाइफ। इनमें से किसी एक टॉपिक पर हमें जो है दोस्तों निबंध लिखना था। नेक्स्ट है कि सेक्शन सी। यहाँ पर आप देख सेक्शन सी, जिसमें पहला कि इफ वॉज डार्क सो आई डैश डैश अ टॉर्च विथ मी, टेक टॉक टेकन। दूसरा दोस्तों, ही टू स्कूल डेली, गो वेंट गोज। दोस्तों थर्ड है, ही वॉज एबसेंट, ही वॉज सिक बिकॉज सो वाइल,
दोस्तों सी वाउट फैंस एनी मैनी मच। नेक्स्ट आता है दोस्तों ही इज ऑनेस्ट ए एन द। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सी रिटर्न आ बुक हैव इज। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है सेकंड इसी में चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एनी फाइव। दोस्तों यहाँ पर पहला है ही प्रोमिस्ड द मनी टू रिटर्न रिटर्न। दूसरा है दोस्तों स्ट्राइक द आयरन इट इज नॉट आफ्टर टिल फाइल। थर्ड है दोस्तों वर्क हार्ड यू विल फेल और व्हाट सो सी इज इंग्लिश स्पीक्स स्पीक और स्पीकिंग। नेक्स्ट दोस्तों देयर इज लाइफ देयर इज होप एज सून एज लॉन्ग एज थो। दोस्तों नेक्स्ट है आई गो टू ड्रिंक सर कैन मी विल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ पर डू एस डायरेक्ट दिया हुआ है, आप इन्हें देख ही सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों डू एस डायरेक्ट के बाद वो है दोस्तों ट्रांसफर एनी फाइव सेवन सेंटेंस इन टू इंग्लिश। मेरे दो भाई हैं इसमें पहला था दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे स्कूल में 20 शिक्षक हैं। तीसरा है कि वर्षा होगी। तीसरा चौथा है दोस्तों क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। पाँचवा है वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। छठवा है वह गाना गाएगी और सातवा है मैंने कल एक पेन खरीदा। इसके बाद दोस्तों दसवा क्वेश्चन आता है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। आपको दोस्तों एक बार फिर से जो है पैराग्राफ पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि फ्रॉम विच लेसन हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन द न्यू प्लेयर इन द टीम दैट ट्रिब्यूट फर्स्ट वन स्टेप अहेड। सेकंड है दोस्तों ममता कुड नॉट ज्वाइन एनी पब्लिक स्कूल बिकॉज सी वॉज वीक इन स्टडी हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर सी कुड नॉट गेट स्कॉलरशिप। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कि आप देखेंगे कि फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीनिंग एक्सट्रैक्ट विच मीन्स अ बिल्डिंग दैट प्रोवाइड चीप एकोमोडेशन एंड मील्स ऑफ टू स्टूडेंट्स। फोर्थ दोस्तों व्हाई डिड द गर्ल्स इन द स्कूल अवॉइड ममताज कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दस बात, इसमें आपको जो है दोस्तों पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देना है, जिसमें पहला है टू होम इज स्वामी स्पीकिंग पंडित नेहरू डॉक्टर कलाम गांधी जी। दूसरा दोस्तों फ्रेम विच लेसन हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। थर्ड है दोस्तों व्हाट वाज नॉट द डेस्टिनेशन ऑफ द लिसनर साइंटिस्ट प्रेसिडेंट एयरफोर्स पायलट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है व्हाट डिड स्वामी जी एडवाइस टू द लिसनर। इसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें आपको क्या क्वेश्चन आंसर करने हैं, जिसमें पहला है हाउ डिड द मोय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन। इसके अथवा क्वेश्चन था दोस्तों व्हाट मेड ममता विन द रेस। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट वाज कुबुद्दीस प्लान टू चीट हिज फ्रेंड। और इसके अथवा में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ बाबुलदीस एल्डर ब्रदर। 13वां दोस्तों हु वाज वामासा डिस्क्राइब हिज क्वालिटीज। इसके अथवा दोस्तों क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर कि रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन चेंज माई डार्कनेस। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि डार्कनेस इन द स्टेंजा स्टैंड फॉर नाइट इग्नोरेंस लॉर्ड। सेकंड है दोस्तों लाइट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इग्नोरेंस नॉलेज। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों द पोएट हु रोट द पोयम इज। दोस्तों नेक्स्ट है 15वां व्हाट शुड बी प्रे फॉर। और इसके अथवा में आता है हाउ कैन एंगर बी कंक्योर्ड। 16वां क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड 20 words, जिसमें पहला है हु टेक्स द काइट्स हाई। दूसरा दोस्तों व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन। तीसरा दोस्तों हु इज ग्रेटर देन अ किंग। दोस्तों 17वां है आंसर द एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 30 words। पहला दोस्तों इन व्हाट प्लेस मलेरिया डज नॉट ऑक्यूपाई व्हाई। दूसरा दोस्तों व्हाई व्हाट वाज नेपोलियंस मोटो। थर्ड दोस्तों व्हाट इज द रेड क्रॉस सोसाइटी। लास्ट दोस्तों चौथा व्हाट डज द पोएट गेट फ्रॉम द काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको दोस्तों फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें पहला है व्हाई डिड गांधी जी ट्रेवल इन थर्ड क्लास। सेकंड है दोस्तों आप देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। नेक्स्ट लास्ट है दोस्तों हु वाज अल्फ्रेड नोबल। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिए हैं आज के इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो अगर आपने तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।